वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। आपके मेरे अल्लाह ताला जायज़ तमन्नाएं पूरी करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे टिप्स स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये पहली टिप है मेरी, मतलब जिसका वीडियो आएगा आप लोगों को। ये है 50 ग्राम दही, इसमें डालना है आधा चाय का चमचा बेसन। इसको अच्छा सा फेंट लेना है। कभी भी आप सालन जो भी पसंदे बना रही, खौरमा बना रही, तो बहुत जनों को शिकायत आ रही कि आंटी दही के रवे के जैसे दाने दाने आ जा रहे। तो इंशाल्लाह आप बेसन के साथ डालिए, दही के दाने नहीं आएंगे और मज़ा भी चेंज नहीं होगा। ये मेरी बात पे आप पक्का यकीन रखिए। और आप 1 किलो दही भी लेंगे, हाफ टी स्पून बेसन डालना है। 2 किलो दही लेंगे तो 1 टीस्पून, तो ऐसा 2 किलो के ऊपर बढ़ाना है अपने को, आधा आधा चम्मच। बेसन से दही कोई सालन का मज़ा ख़राब नहीं रहेगा, आप लोग यकीन करिए। और दही चाहे फ्रिज का रहो, बाहर का रहो, कुछ भी रहो, आप मीठा दही रहो या खट्टा दही रहो, बेसन मिलाइए तो नहीं फूटता, दाने दाने नहीं आएंगे इंशाल्लाह आप लोगों के सालन में। या नहीं तो मैं जो बोलती हूँ ना, ठंडा करके करना, तो उसमें टाइम लग रहा बच्चियों को, तो मैं इसलिए आप लोगों को यह बता दे रही हूँ। और आप लोगों को क्या क्या टिप्स होना है मेरे को, आप मेरे से कमेंट्स करके बताइए, तो मेरे को मालूम होगा मैं किस किस पे बनाऊँ। और ये बहुत पुराने लोगों का है, ये आजकल के ज़माने का नहीं है, तो आप लोगों के साथ शेयर करी मैं। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआ में याद रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।